तो दोस्तों, आज के हमारे इस मूवी का नाम है लाइक डॉग्स और ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में एक प्यारा सा डॉग जो कि अपना खाना अच्छे से खा रहा था, तभी थोड़ी दूरी पर एक वैन आकर रुकती है। उस वैन से काले कपड़े पहने हुए कुछ आदमी निकलते हैं और एक लड़की को किडनैप करके वैन में डालकर अपने साथ में कहीं पर ले जाते हैं। वो लड़की कौन थी और उसे आखिर किडनैप क्यों किया गया था, ये सब आपको कहानी के आगे ही पता चलेगा, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ में बने रहिएगा। इधर फिर होश में आकर वो लड़की देखती है कि उसे बांधकर दो मास्क पहने आदमी हॉस्पिटल जैसे जगह पर ले जा रहे थे। वो कौन सी जगह थी उस लड़की को ठीक से समझ नहीं आता है और वो उनसे पूछती भी है कि उसे क्यों किडनैप किया गया है, लेकिन वे लोग उसे कोई जवाब नहीं देते हैं और वे लोग उस लड़की को एक छोटी सी जगह पर बांध देते हैं। उस लड़की को कुछ इस तरीके से बांधा गया था जैसे कि जानवर को बांधा जाता है और फाइनली हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम लीज़ा था और लीज़ा बहुत कोशिश करती है कि उस चेन को तोड़ते हैं, पर वो चेन नहीं टूटती है और वो अपने गले के कॉलर को भी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब होती है। एक गार्ड उस पर नज़र रख रहा था जिसे देखकर लीज़ा डर जाती है। उस छोटी सी जगह पर उसे एक छोटा सा गद्दा दिया गया था जहाँ पर लीज़ा को सिकुड़कर सोना पड़ता है और तभी एक लड़की डॉग फूड लाकर लीज़ा के सामने रख देती है। अब लीज़ा का खाना यही डॉग फूड था। लीज़ा उस लड़की से बाथरूम जाने के लिए पूछती है और वो लड़की लीज़ा की बैठी हुई जगह पर इशारा करती है, मतलब कि लीज़ा को वहीं पर पेशाब करना होगा। लीज़ा और कुछ पूछ पाती उससे पहले वो लड़की वहां से चली जाती है। लीज़ा उस खाने को नहीं खाती है और उसी समय लाइट्स भी ऑफ हो जाती है और फिर लीज़ा को मजबूरन सोना पड़ता है और हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा से कोई लीज़ा पर नज़र रखे हुआ था। अब अगले दिन एक आदमी वही डॉग फूड लीज़ा के लिए लाता है, लेकिन लीज़ा ने पहले वाला डॉग फूड ही नहीं खाया था, तो वो आदमी दोनों प्लेट्स को अपने साथ में ले जाता है। फिर कुछ देर के बाद में वही लड़की लीज़ा के लिए फिर से डॉग फूड लेकर आती है, लेकिन इस बार वो उस प्लेट को थोड़ा सा दूर रख देती है और वो लीज़ा को देखकर अपनी नोटबुक में कुछ नोट भी करती है। लीज़ा अब बहुत समय से भूखी थी और वो पूरी कोशिश करती है उस प्लेट तक पहुँचने की और वो किसी तरह अपने पैरों से उस प्लेट को अपने पास में लेकर आती है और अब वो उस डॉग फूड को खाने लगती है। लेकिन लीज़ा को डॉग फूड का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, तभी लीज़ा को किसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर लीज़ा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे लोग वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और वो खाने की प्लेट को जोर से दीवार पर मार देती है। लेकिन अचानक लीज़ा खुद ही बेहोश हो जाती है क्योंकि शायद उसके खाने में कुछ मिला दिया होगा। फिर अगले दिन एक आदमी लीज़ा के लिए वही डॉग फूड लेकर आता है। वो लीज़ा तब सोई हुई थी, वो आदमी देखता है कि ज़मीन पर थोड़ा सा डॉग फूड पड़ा हुआ है और वो आदमी लीज़ा को एक नॉटी डॉग बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि जो भी सीसीटीवी कैमरा से लीज़ा पर नज़र रखे हुए था वो लीज़ा के हर बिहेवियर को नोट डाउन कर रहा था और ये भी लिखता है कि उसके खाने में बेहोश करने वाली दवाई 10% बढ़ा दी गई है। फिर लीज़ा को एक दूसरी जगह पर लाया जाता है जहाँ पर उसको पानी डालकर नहलाया गया था और उसी तरह गीले कपड़ों में बांध कर उसे रख दिया गया था। लीज़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और वो किसी तरह से सो जाती है। अब फिर अगले दिन लीज़ा को एक खुली जगह पर लाकर छोड़ देते हैं, लेकिन उस जगह के चारों तरफ दीवारें थी और स्पीकर पर कोई लड़की लीज़ा को अच्छे से चलने के लिए कह रही थी। वो लीज़ा उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने के लिए उस दीवार के पास जा रही थी। अब धीरे धीरे उसका कॉलर अपने आप ही उसे चौक करने लगता है। वो लीज़ा किसी तरह से वॉल के पास जाकर उसके फैन को जब हाथ लगाती है तो उसे बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर स्पीकर पर वही लड़की उसे बेड डॉग कहती है। अब होश में आकर लीज़ा देखती है कि उसका हाथ इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से थोड़ा सा जल गया था और तभी उसे कोई लड़का आवाज़ लगाता है। लीज़ा उस लड़के को देख नहीं पा रही थी, लेकिन दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उस लड़के को भी कुछ पता नहीं था कि उन लोगों ने उनको क्यों इस तरह पकड़ कर रखा गया है। वो लड़का अपना नाम एडम बताता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। एडम थोड़ा दूर बंधा हुआ था और फिर भी इतने दिनों के बाद वो दोनों किसी इंसान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तभी वही आदमी वही डॉग फूड लाकर उन दोनों के सामने रख देता है। लीज़ा वो डॉग फूड को खाने लगती है और एडम उस डॉग फूड को नहीं खाता है और लीज़ा को भी उसे खाने से मना करता है और वो कहता है कि क्या पता उस डॉग फूड के अंदर उन्हें कोई ड्रग मिला हो, लेकिन लीज़ा उसे खाने को कहती है क्योंकि अगर वे लोग कुछ नहीं खाएंगे तो वे खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे। फिर एक आदमी दरवाजे से उन दोनों को देख रहा था और लीज़ा उस आदमी को गालियाँ देती है। स्पीकर पर कोई एडम को कह रहा था कि ईट नाउ यानी कि खाना खाओ, पर एडम उस खाने पर थूक देता है और तभी स्पीकर पर वही आदमी कहता है बैड डॉग।
जिसका मतलब था कि एडम एक बुरा कुत्ता है। फिर दरवाजे पर खड़ा वो आदमी अंदर आकर लीजा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और एडम के साथ भी वो ऐसा ही करता है। लीजा को जब होश आता है तो वो एक दूसरी जगह पर अकेली बंधी हुई थी, पर वहाँ पर एडम नहीं था। और तभी एक लड़का डोर के पास आकर लीजा से मदद मांगता है, लेकिन एक आदमी आकर उस लड़के के सर पर वार कर देता है। वो लीजा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। अचानक लीजा का कॉलर उसे चोक करने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद में लीजा खुद को अपनी पहले वाली जगह पर ही पड़ी हुई पाती है और एडम भी वहीं पर पड़ा हुआ था। लीजा उसे बताती है कि उससे पहले उसे जहाँ पर बांध कर रखा गया था वहाँ पर उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा और उन दोनों को टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल होने के लिए वो दोनों अपनी और अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वही आदमी उन दोनों के लिए खाना लेकर आता है। लीजा बिना किसी प्रॉब्लम के वही डॉग फूड खाने लगती है और लीजा एडम को भी कन्विंस कर लेती है कि वो उस डॉग फूड को खा ले। एडम फिर उस डॉग फूड को खाने लगता है और उसे भी उस डॉग फूड का टेस्ट अच्छा लगा था। फिर कुछ ही देर में उस खाने में मिला सीरेटिव का असर दोनों पर दिखने लगता है और वो दोनों पागल की तरह हंसने लगते हैं। लीजा को फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में रहने का सपना आता है और इस बार लीजा होश में आने के बाद ये देखती है कि एडम और उसे आसपास के ब्लॉक्स में बांधा गया है। लीजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि एडम को वो पसंद करती है और एडम के दिमाग में तो यही चल रहा था कि उसे वहाँ से भागना है, पर लीजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अब इस जगह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो इस जगह से अब खुश थी। एडम तभी वहाँ पर गेट पर उसी आदमी को देखता है जो कि उन पर नज़र रखे हुए था और एडम डरकर सोने जाता है, लेकिन लीजा अभी भी नहीं सो रही थी तो वो आदमी लीजा को उसके कॉलर से चोक करने लगता है। एडम उस आदमी को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा नहीं करें, पर वो आदमी उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। वो लीजा भी बेहोश हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद में लीजा को जब होश आता है तो वो लड़की लीजा को वही डॉग फूड देती है और एडम को भी वही खाना देने आती है, लेकिन एडम मौका देखकर उस लड़की के सर पर प्लेट से मार देता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। एडम उस लड़की से चाबी लेकर अपनी और लीजा की चेन खोलता है और लीजा उसे रोकती है कि वे लोग वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन एडम फिर भी लीजा को अपने साथ में भागने के लिए मना लेता है। अचानक लीजा उसी प्लेट से एडम के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और वो कैमरा में देखकर एक अजीब सा वर्ड पाइनएप्पल पिज्ज़ा कहती है और शायद ये कोई कोड वर्ड होगा, जिसे कहने के बाद सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और मास्क पहने कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। लीजा अपने कॉलेज असाइनमेंट के लिए अपने दोस्त एरिका और जॉर्ज के साथ में बिहेवियर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और सभी डॉक्टर्स थे। उनका मेन एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर किसी इंसान को जानवरों की तरह रखा जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। लीजा उन दोनों पर गुस्सा करती है कि इलेक्ट्रिक शॉक और ड्रग देने का आइडिया उनका नहीं था तो क्यों उनको ये सब दिया जा रहा था। एरिक कहती है कि उसे बस इतना पता था कि उन्हें सिडेटिव दिया जा रहा है और जॉर्ज लीजा को कहता है कि एक्सपेरिमेंट के चलते तुम भूखी हो इसीलिए तुम हेलुसिनेशन कर रही हो। जॉर्ज लीजा को खाना खिलाता है और उस जगह पर और भी कई सारे लोगों को कैद करके जानवर की तरह रखा गया था। वहां पर रखे सभी लोगों के रिकॉर्ड्स मौजूद थे, सिर्फ एडम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और एरिका कहती है कि अगर उनकी बॉस डॉक्टर फिशर को पता चल गया कि एडम का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर फिशर का कॉल आता है जो कि 10 मिनट में वहाँ पर आने वाली थी और लीजा सभी को ट्रेन कर रही थी तो वो वापस आकर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जाती है। फिशर को एडम के हमले के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा क्योंकि जॉर्ज ने कैमरे में 10 मिनट लेट की स्ट्रीमिंग सेट की हुई थी। अब 10 मिनट में ही लीजा फिर से उसी जगह पर चली जाती है और एरिका उसे वहीं पर पहले जैसे बांध कर रख देती है। कुछ लोग आकर एडम को भी वहां पर बांध कर जाते हैं और एडम बेहोश पड़ा हुआ था। एक आदमी आकर एडम को खाना देकर जाता है और एडम जब होश में आता है तो लीजा उसे ऐसा दिखाती है कि उस समय वो बस एक सपना देख रहा था। एडम भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। उसी दिन एडम और लीजा को उसी खुली जगह में लाकर छोड़ दिया जाता है। स्पीकर पर एरिका चलने को कहती है पर आज जब एडम उस फेंस को छूता है तो वहाँ पर करंट नहीं चल रहा था। एडम को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है और एडम अब भी वहाँ से भागने की सोच रहा था। लीजा कहती है कि उनके गले में जब तक ये कॉलर है उनके भागने का क्या फायदा, और फिर भी दोनों मिलकर फेंस कूद कर भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही वो कॉलर उन दोनों को चोक करने लगती है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद में वे लोग अपना सिग्नल खो देते हैं और उनका कॉलर उनको चोक भी नहीं करता है। एडम चाहता तो भाग सकता था पर वो लीजा को अकेला छोड़कर नहीं भागता है। वो लीजा का आइडिया काम आ रहा था। एडम लीजा के लिए लॉयल था, वो लीजा यही देखना चाहती थी।
एडम को जब होश आता है तो वो एक बेड पर बंधा हुआ था, पर वहां पर गैस मास्क पहनकर एक आदमी आता है और एडम ने भागने की कोशिश की तो वो आदमी उसे सजा देने वाला था। एडम डर के मारे बहुत ज्यादा रोता है और चिल्लाता है, पर वो आदमी उसे इंजेक्शन देता है और पता नहीं उस इंजेक्शन में क्या था जिससे कि एडम को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। दूसरे रूम में लिजा को भी बेड पर बांध दिया गया था और जॉर्ज वहां पर आकर वही इंजेक्शन लिजा को भी देता है। लिजा भी हेलुसिनेट करती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हो रही है, और इधर एरिका नोटिस करती है कि कभी कभी सारे कैमरास ऑफ हो जा रहे हैं। एरिका इस बारे में जॉर्ज से भी पूछती है, पर जॉर्ज उसे कुछ ठीक से नहीं बताता है, और एरिका के पास किसी भी कैमरा का एक्सेस नहीं था। एरिका को उसी बिल्डिंग में कुछ आवाजें भी सुनाई देती है और एरिका उनके साथ काम कर रहे दो लड़कों को चेक करने को कहती है। वे दोनों एरिका के साथ सभी जगह की छानबीन करने लगते हैं और एरिका को लिजा एक रूम में मिल जाती है, पर लिजा पर अभी भी उस इंजेक्शन का असर था तो वो अजीबोगरीब चीजों को हेलुसिनेट कर रही थी। एरिका वापस लिसा और एडम को उसी जगह पर बांध कर रख देती है, और एरिका को पता चल चुका था कि जॉर्ज उन दोनों को ड्रग्स दे रहा है। एरिका कॉल करके ये सारी बातें डॉक्टर फिशर को बता देती है, और एरिका जॉर्ज को बता देती है कि उसने सब कुछ डॉक्टर फिशर को बता दिया है, और ये सुनकर जॉर्ज परेशान हो गया था। फिर डॉक्टर फिशर आकर देखती है कि लिसा और एडम उस समय पर सो रहे हैं जिस समय उनको नहीं सोना चाहिए था। फिशर ने उनको बस एक ही एक्सपेरिमेंट करने को कहा था और कुछ भी इधर उधर के ड्रग देने को नहीं कहा था। डॉक्टर फिशर उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने वाली थी, वो ये नहीं चाहती थी कि कोई इस एक्सपेरिमेंट के चलते हर्ट हो। डॉक्टर फिशर एरिका को कहती है कि वो लिजा को बुलाए, और लिजा अब भी बेहोशी में थी तो डॉक्टर फिशर उसे होश में लाने का इंजेक्शन देती है। डॉक्टर फिशर लिजा से गुस्सा थी क्योंकि एडम उनके लिस्ट में नहीं था और अब तक एडम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अगर यूनिवर्सिटी में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता लगा कि यहाँ पर कोई हर्ट हुआ है तो सबको जेल जाना पड़ सकता है, और डॉक्टर फिशर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की बात भी करती है, लेकिन लिजा ऐसा नहीं चाहती थी कि यह एक्सपेरिमेंट बंद हो, और वो डॉक्टर फिशर को गला दबाकर जख्मी कर देती है। कैमरा भी उस समय ऑफ था तो जॉर्ज और एरिका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। लिजा डॉक्टर फिशर को उसी हालत में कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है, और फिर वो एरिका और जॉर्ज से कहती है कि डॉक्टर फिशर मान गई है, उसने उनको कुछ और दिनों का समय दे दिया है। एरिका को ये बात कुछ अजीब भी लगती है, पर लिजा उसे मना लेती है, और लिजा अपने कॉलर की चाबी एरिका से ले लेती है। जॉर्ज और एरिका लिजा को उसी जगह पर लाकर बांध देते हैं, और एडम बेहोश था तो उसे कुछ पता नहीं लगता है, और एरिका को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो डॉक्टर फिशर को कॉल लगाती है, लेकिन जॉर्ज उसे कॉलर लगाने नहीं देता है और उसे समझाता है कि ये बस एक एक्सपेरिमेंट है और कुछ ही दिनों की बात है। एरिका का फोन भी जॉर्ज अपने पास में रख लेता है, और उधर एडम और लिसा धीरे धीरे एक दूसरे के पास में आ रहे थे। एडम भी अब लिजा को पसंद करने लगा था, और इस तरफ जॉर्ज को भी पता लग जाता है कि लिजा में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि डॉक्टर फिशर अपना सामान छोड़कर क्यों जाएगी। कैमरा के फुटेज से ये पता लगता है कि लिसा डॉक्टर फिशर का सामान छुपा रही है, और पैरों के निशान का पीछा करके जॉर्ज कोल्ड स्टोरेज तक जाता है और वहां पर डॉक्टर फिशर को देखता है जिसकी हालत अंदर बंद रहने से बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। डॉक्टर फिशर जॉर्ज से भी कहती है कि लिसा डेंजरस है, और जॉर्ज को तो लिसा के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। जॉर्ज एक लोहे का बॉक्स फिशर के सर पर गिरा कर उसे मार डालता है, और फिशर के सर का कोई नामो निशान तक नहीं था। इधर जॉर्ज की सारी करतूतें एरिका भी देख लेती है, और एरिका लाइट्स ऑफ कर देती है। सीसीटीवी कैमरा भी बंद हो जाता है, और एरिका उसी कोल्ड स्टोरेज में जाती है। डॉक्टर फिशर की लाश की भयानक हालत देखकर एरिका डर के मारे चिल्ला देती है, और उसी समय एरिका को जॉर्ज पकड़ लेता है। एरिका की आवाज लिजा और एडम को भी सुनाई देती है, और लिजा उसी चाबी से अपनी चेन खोलती है और एडम को बताती है कि उसने चाबी चोरी कर ली थी। लिजा एडम की भी चेन खोल देती है, और उधर जॉर्ज इंजेक्शन देकर एरिका को बेहोश कर देता है। फिर लिजा और एडम को भागता हुआ देख उनके कॉलर को चोक करने लगता है, और कुछ ही समय में एडम और लिजा फिर से बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद में हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एरिका और एडम को आमने सामने एक ही कुर्सी पर बांध कर रखा गया है, और अब एरिका के गले में भी वैसा ही कॉलर लगा हुआ था। एरिका एडम को एक्सपेरिमेंट और डॉक्टर फिशर के बारे में सारी बात बताती है, और एरिका को वहां से निकालने का रास्ता भी पता था, पर एडम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और बस लिजा पर विश्वास करता था, लेकिन लिजा का भी कोई अता पता नहीं था। एरिका एडम का विश्वास जीतने के लिए कहती है कि तुमने जब मुझे बेहोश करके मुझसे चाबी ली थी वो लिजा के साथ भागने वाले थे तो ऐसा लिजा नहीं करवाया था, और उसी ने कहा था कि वो बस तुम्हारा सपना है, लेकिन असल में वो तुम्हारा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी।
क्योंकि तुम्हें ड्रग दिया गया था ताकि तुम ये सब भूल पाओ। लिजा ने अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। और फाइनली एडम को एरिका पर यकीन हो जाता है। सीसीटीवी कैमरा से लिसा ये सब कुछ देख रही थी और लिसा के बारे में सब कुछ पता लगते ही एडम बहुत गुस्सा होता है। लिसा के समझाने पर जॉर्ज उसे एरिका और एडम के पास में ले जाता है, पर एक रूम में लिजा देखती है कि उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड को जानवरों की तरह बांधकर रखा गया था और उन सब पर भी यही एक्सपेरिमेंट चालू था। उन सबको जॉर्ज पकड़कर लाया था और देखा जाए तो लिसा भी बहुत ज्यादा शातिर लड़की थी। वो हमेशा अपना नाम बदलती रहती थी। लिसा की असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता थी। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस लिसा से प्यार करता था। लेकिन लिसा ये समझती थी कि जॉर्ज एक गे है। जॉर्ज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि लिसा एडम या फिर किसी और मर्द को प्यार करे। जॉर्ज लिसा को डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी भी दिखाता है कि उसने लिसा के लिए डॉक्टर फिशर का मर्डर कर दिया है। फिर वो लिसा को एडम और एरिका के पास लेकर जाता है। एरिका फिर जॉर्ज को यह सब पागलपन बंद करने को कहती है। जॉर्ज लिसा को एरिका और एडम में से किसी एक को मारने को कहता है और एडम को भी अब पता चल चुका था कि लिसा उसके साथ क्या कर रही थी। लिसा उस एक्सपेरिमेंट की आड़ में एडम को पाना चाहती थी और वो एडम का विश्वास जीतकर उसके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहती थी। लेकिन अब जब एडम को लिसा के बारे में सब कुछ पता चल ही चुका था तो लिसा कॉलर से एडम को चोक करने लगती है। पर लिसा नहीं चाहती थी कि एडम मरे, तो वो जॉर्ज को रिक्वेस्ट करती है कि वो एडम के कॉलर को ऑफ कर दे। जॉर्ज एडम का कॉलर को ऑफ कर देता है पर एरिका का कॉलर ऑन कर देता है और गला दबने से एरिका तड़पने लगती है। फिर कुछ ही समय में जॉर्ज एरिका का भी कॉलर ऑफ कर देता है और वो फिर से एडम का कॉलर चोक करने लगता है। एडम को बचाने के लिए लिसा जॉर्ज के साथ में सेक्स करने के लिए मान जाती है, पर जॉर्ज तो पहले से ही लिसा के साथ में इंटीमेट हो चुका था। लिसा जब भी बेहोश होती थी तब जॉर्ज उसके साथ में इंटीमेट होता था और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता था क्योंकि जॉर्ज कैमरा उस समय के लिए बंद कर देता था। लिसा को जब सपने आते थे कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हो रही थी तो असल में वो उसी समय जॉर्ज के साथ में इंटीमेट होती थी और लिसा को इस बात का जरा भी होश नहीं था। लिसा जॉर्ज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे और जॉर्ज समझ गया था कि एडम को बचाने के लिए लिसा झूठ बोल रही थी, तो जॉर्ज वहां से चला जाता है जिसके बाद में गला दबने की वजह से कुछ ही समय में एडम मारा जाता है। और एरिका भी लिसा से गुस्सा होती है क्योंकि लिसा ने उससे बहुत झूठ बोले थे, लेकिन फिर भी वहां से जिंदा बचने के लिए उन दोनों को जॉर्ज से लड़ना होगा। और तभी जॉर्ज वहां पर आकर लिसा को उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड को मारकर ये खेल खत्म करने को कहता है। लिसा भी ऐसा ही करती है और एक एक करके सभी लड़के दम घुटने से मर जाते हैं। लिसा जॉर्ज को फंसाने के लिए अपनी कॉलर ऑन कर देती है पर जॉर्ज लिसा को बचाने के लिए उसका कॉलर खोल देता है। जॉर्ज लिसा को किस करता है और लिसा उसका हाथ काट लेती है। फिर जॉर्ज दर्द से चिल्लाता है तो लिसा उसे बहुत मारती है और वो एरिका को लेकर भागने लगती है। अब बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को जॉर्ज ने मार दिया था और जॉर्ज एक इलेक्ट्रिक गन लेकर दोनों को मारने जाता है। जॉर्ज की बातों से हमें पता लगता है कि लिसा ने अपनी माँ और बहन को भी मार दिया था और उसे एक्सीडेंट का रूप देकर वहाँ से वो भाग गई थी। जॉर्ज ने लिसा को पकड़ लिया था पर लिसा उसके प्राइवेट पार्ट पर मारकर भाग जाती है और एक रूम में छुप जाती है। जॉर्ज वहाँ पर जाकर लिसा को पकड़ लेता है पर एरिका जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देती है और होश में आने के बाद में लिसा इलेक्ट्रिक गन को जॉर्ज के पीछे घुसा कर उसे वहीं पर मार देती है। एरिका ने कभी नहीं सोचा था कि लिसा इतना ज्यादा पागलपन करेगी। वो लिसा एरिका को भी मार डालती है। एरिका ने लिसा को अपना सब कुछ माना था पर लिसा के लिए एरिका बस एक खिलौना थी। मूवी के एंड में उस पूरी जगह को आग लगाकर एरिका का आइडेंटिटी अपना कर वहां से निकल जाती है, मतलब कि अब लिसा को कभी भी कोई भी नहीं पकड़ पाएगा और अब लिसा एरिका बन जाएगी। दोस्तों मूवी में बताया गया है कि लिसा नाम की एक लड़की थी जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल बदल कर रहा करती थी। डॉक्टर फिशर ने एरिका लिसा और जॉर्ज को हायर किया था ताकि वो कुत्तों पर होने वाले बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन जॉर्ज लिसा से प्यार करता था इसीलिए वो लिसा के जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड थे उन्हें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर आता है। लिसा भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होती है और उसके साथ में एडम नाम का एक लड़का था जिससे कि एक्सपेरिमेंट के दौरान लिसा को एडम से प्यार हो जाता है। इस मूवी में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कुत्तों की तरह रखकर इंसान कुत्ते जैसा बिहेव करने लग जाते हैं और ठीक उसी तरह इंसान भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो जाते हैं जिस तरह कुत्ते अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।
है।